परेशान होकर पुलिस को फोन करता है। अब पुलिस वहां पर आ जाती है और वह अपनी कार की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को बताता है और पुलिस तहकीकात करके पुलिस को तीन कार मिलती हैं। दोस्तों, क्या आप इन तीनों कारों को देखकर बता सकते हैं राहुल की कार कौन सी है? तो अपना आंसर सोच कर समझ कर कॉमेंट कीजिए। दोस्तों, चलिए आंसर देखते हैं। राहुल ने नई नई कार खरीदी थी तो कार में नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए, तो सेकंड नंबर वाली कार रिजेक्ट है। अब बची फर्स्ट और थर्ड नंबर वाली कार। दोस्तों, आप थर्ड नंबर वाली कार में देख सकते हैं उसका टायर पंचर है, यानी कि तो ये कार नहीं हो सकती। तो बची फर्स्ट वाली कार, तो फर्स्ट वाली कार राहुल की है। दोस्तों, चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ऑफिस में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल तहकीकात करने के लिए आते हैं। उन्हें तीन आदमियों के ऊपर शक होता है। डिटेक्टिव रिया से पूछते हैं, तुम अभी 5 मिनट पहले क्या कर रही थी? रिया बोलती है, मैं अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। फिर अमन बोलता है, मैं वॉशरूम गया हुआ था। फिर आकांक्षा बोलती है, मैं तो अपने क्लाइंट को देख रही थी। फिर डिटेक्टिव समझ जाते हैं खूनी कौन है। दोस्तों, क्या आपको समझ आया? तो अपना आंसर सोच समझ कर कॉमेंट कीजिए। दोस्तों, चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों, आपने बॉडी के पास जूतों के निशान तो देखे ही होंगे। तो दोस्तों, खूनी अमन ही हो सकता है क्योंकि उसने जूते पहने हैं। दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। अब रिलेशनशिप पहेली, आइए देखते हैं आप इसमें कितने माहिर हैं। दोस्तों, आपकी बुआ की भाभी की बेटी की चाची की माँ आपकी क्या लगेगी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, चलिए आंसर देखते हैं। बुआ की भाभी की बेटी की चाची होंगी आपकी बुआ और बुआ की माँ होंगी आपकी दादी। अब बताइए, आपकी भाभी की माँ की बेटी का बेटा आपका क्या लगेगा? अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, आंसर देखते हैं। आपकी भाभी की माँ की बेटी यानी कि आपकी भाभी का बेटा आपका भतीजा लगेगा। अब अगली पहेली, शहर का सबसे फेमस ज्वेलरी शॉप, यहाँ कस्टमरों की भीड़ लगी हुई रहती है। कुछ देर बाद थोड़ी देर के लिए लाइट कट जाती है और लाइट आती है और एक ज्वेलरी वहाँ से गायब हो जाती है। सिक्योरिटी तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है और पुलिस को बुला देता है। पुलिस को तीन लोगों पर शक होता है। पहला, वहाँ की असिस्टेंट रितु, मुझे तो अंधेरों से डर लगता है इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। दूसरा, वहाँ का गार्ड, मुझे तो जनरेटर लेने जाना पड़ा था। तीसरा, रीना, मैं तो मेकअप में बिजी थी। पुलिस तीनों के बयानों से पकड़ लेती है चोर कौन है। दोस्तों, क्या आपको पता चला? तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, आंसर देखते हैं। चोर रीना है क्योंकि कोई अंधेरे में मेकअप कैसे कर सकता है। अब अगली पहेली। दोस्तों, हमने आपसे ये इमोजी अपने पिछले वीडियो में पूछी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपने इस इमोजी का आंसर नहीं दिया है तो आप अभी इसका आंसर नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, वो मूवी है बॉडीगार्ड। अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं दोनों में से
जेल से कौन भाग सकता है, नोबिता या फिर डोरीमोन? अपना आंसर सोच समझकर कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए आंसर देखते हैं। मुझे लगता है डोरीमोन भाग सकता है, क्योंकि डोरीमोन एक रोबोट है, उसके पास बहुत सारे गैजेट होते हैं। दोस्तों तो आपको क्या लगा था, अपना आंसर कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही मिल सके। और आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़